Good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now, today we learn about Standard 4th EVS Chapter Number 2, Year to Year. तो आज हम Chapter Number 2, Year to Year के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए यहाँ पे लिखा है, Who has got my ears? तो देखिए हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें different animals है. तो देखिए हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है उस पिक्चर में गलत कान लगाए है. तो हमें यहाँ पे वो देखना कि किसके कान किस पे लगाए हुए है. तो देखिए हमें यहाँ पे एलिफेंट दिखाई दे रहा है, तो एलिफेंट के कान बड़े बड़े होते हैं, पर यहाँ पे जो एलिफेंट दिखाई दे रहा है उसके ईयर्स बहुत ही छोटे हैं, यानी कि एलिफेंट पे माउस के ईयर्स लगाए है. फिर देखिए यहाँ पे जिराफ दिखाई दे रहा है, उसके ईयर्स बहुत बड़े बड़े लगाए हुए है. तो देखिए हमें यहाँ पे देखना है कि किस पे किसके कान लगाए है. तो देखिए यहाँ पे जो एलिफेंट है उस पे माउस के कान लगाए है. फिर यहाँ पे जो रैबिट है, रैबिट के ऊपर जिराफ के कान लगाए है. फिर जो माउस है उसके ऊपर डॉग के कान लगाए है. फिर यहाँ पे जो जिराफ है उसके ऊपर एलिफेंट के कान लगाए है. फिर देखिए यहाँ पे जो डॉग है उसके ऊपर रैबिट के कान लगाए है. फिर जो बफेलो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर डियर के कान लगाए है. फिर जो यहाँ पे हमें बफेलो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर डियर के कान लगाए है. और फिर जो डियर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बफेलो के कान लगाए है. तो देखिए आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा, वैसे ही आपको उससे देखकर आपको लिखना है कि किसके ऊपर किसके कान लगाए हैं. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमें दो बॉक्स दिए हैं. तो एक बॉक्स में लिखा है एनिमल्स हु ईयर्स वी कैन सी, यानी कि हम कौन से एनिमल के ईयर देख सकते हैं, और लिखा है एनिमल्स हुज ईयर कैन नॉट सी, यानी कि किन एनिमल्स के हम ईयर्स नहीं देख सकते. तो देखिए हमें यहाँ पे एनिमल के नाम लिखे हैं, जैसे कि डियर, टाइगर, पिग, फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, बफेलो, जिराफ, एंट, स्नेक, एलिफेंट, क्राउ, लिजर्ड एंड कैट. तो यहाँ पे जो एनिमल का नाम लिखे है उनमें से ढूंढ के हमें यहाँ पे दो बॉक्स में लिखने हैं. तो फर्स्ट देखिए एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी, यानी कि कौन से एनिमल के कान हमें दिखाई देते हैं. तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डियर, टाइगर, बफेलो, पिग, जिराफ, एलिफेंट और कैट. तो ये जो एनिमल है उनके कान हम देख सकते हैं. फिर दूसरी तरफ बॉक्स में एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी, यानी कि कौन से एनिमल के ईयर हम नहीं देख सकते. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिश, एंट, क्रो, डक, लिजर्ड, स्नेक और फ्रॉग. तो ये जो एनिमल्स है सारे उनके ईयर्स हम नहीं देख सकते. तो ऐसे ही आपको आपकी बुक में लिखना होगा. फिर देखिए हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसको हमें ऑब्जर्व करना है. तो लिखा है लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर. तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए हमें उस पिक्चर में काफ़ी सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट लिखा है नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, यानी कि यहाँ पे जो हमें पिक्चर में एनिमल्स दिखाई दे रहे उनके नाम लिखना है. तो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में हैन दिखाई दे रहा है, स्पैरो, डक, पैरोट, क्राउ और लास्ट में जो फ्रॉग है उसकी पिक्चर दिखाई दे रही है. फिर लिखा है कैन यू सी देयर ईयर्स, यानी कि आप उनके ईयर्स देख सकते हो. तो आंसर क्या आएगा, नो, यानी कि हम उनके ईयर्स नहीं देख सकते. दे ऑल हैव ईयर इवन दो वी कैन नॉट सी देम, यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर में एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं उनके ईयर्स नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि जो उनके ईयर्स की जगह पे होल होते हैं. फिर हम आगे बढ़ते हैं. लिखा है फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स वीच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी राइट देयर नेम्स, यानी कि हमें यहाँ पे और एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते. तो आंसर क्या आएगा, स्वान, फिश फ्लाई, मॉस्किटो, क्रोकोडाइल और ऐसे कई भी एनिमल्स हैं जिनके हम
कान नहीं देख सकते, यानी कि उनके कान हम नहीं देख सकते। फिर लिखा है रीड एंड राइट। एन एनिमल विच ईयर लाइक फैंस, यानी कि कौन से एनिमल के ईयर्स ऐसे होते हैं जैसे कि फैन लाइक, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि पंखे शेप में होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? एलिफेंट। तो जो एलिफेंट एनिमल्स हैं उनके ईयर्स फैन जैसे होते हैं। फिर लिखा है एन एनिमल विथ ईयर लाइक लीव्स, यानी कि कौन से एनिमल के ईयर्स लीफ यानी कि पत्ते जैसे शेप में होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? रैबिट। तो जो रैबिट एनिमल है उसके ईयर लीफ जैसे यानी कि पत्ते जैसे होते हैं। फिर लिखा है एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, यानी कि कौन से एनिमल के हेड पे यानी कि टॉप पे ईयर्स होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? रैबिट। तो जो रैबिट एनिमल है उसके ईयर हेड ऑफ द टॉप यानी कि सिर के ऊपर होते हैं। फिर लिखा है एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, यानी कि कौन से एनिमल के हेड के दोनों साइड पे ईयर्स होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? डॉग। तो जो डॉग एनिमल है उसकी दोनों साइड पे यानी कि सिर के दोनों साइड पे ईयर्स होते हैं। फिर देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें छिपकली है, एक चींटी है, फिर एक मगरमच्छ है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो देखिए लिखा है यू नो एवरी वेल दैट ईयर्स हेल्प टू अस ईयर इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स इन सम यू कैन नॉट सी। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स, यानी कि यहाँ पे देखिए अमुक यानी कि ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसके ईयर्स हम नहीं देख सकते और ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसके ईयर हम देख सकते हैं। फिर लिखा है वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स, यानी कि जो बर्ड्स हैं उनके ईयर्स नहीं होते। अ बर्ड हैज थिनी होल ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनके ईयर्स नहीं होते पर उनके ईयर्स की जगह पे होल होते हैं, यानी कि होल्स के शेप में होते हैं। द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स दे हेल्प द बर्ड्स टू हियर, यानी कि जो उनके ईयर्स होते हैं वो पंखों में होल के जैसे होते हैं, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनको पंखें होती है यानी कि पंखों में समा जाते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी थिनी होल्स ऑन लिजर्ड हेड देज आर इट्स ईयर्स, यानी कि हमें यहाँ पे केयरफुली देखना है जो लिजर्ड है यानी कि छिपकली उसके कान की जगह पे होल जैसा होता है। फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं वुस स्किन। हेलो स्टूडेंट, फिर हम आज चैप्टर में आगे देखते हैं कि क्या है। तो लिखा है वुस स्किन। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन से एनिमल की स्किन कैसी होती है। तो देखिए आपको पिक्चर में कुछ एनिमल्स की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो देखिए ये जो एनिमल है उसकी स्किन ऐसी होती है, फिर ये जो वाली पिक्चर है उसकी स्किन ऐसी होती है, फिर ये जो आपको एनिमल दिखाई दे रहा है उसकी स्किन ऐसी होती है, फिर आपको ये जो वाले एनिमल्स की पिक्चर दिखाई दे रही है उसकी स्किन ऐसी होती है, फिर आपको ये जो एनिमल दिखाई दे रहा है उसकी स्किन ऐसी होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एनिमल्स की कौन से एनिमल्स की स्किन कैसी होती है वो मैंने आपको बताया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि ये एनिमल कौन सा है। तो आपको ये जो एनिमल दिखाई दे रहा है वो कौन सा एनिमल है? लेपर्ड। फिर ये जो एनिमल है वो क्या है? डियर। फिर ये जो एनिमल है वो क्या है? स्क्विरल। फिर ये जो एनिमल है ये क्या है? ये जो देखिए मैंने जो राउंड किया है वो एनिमल क्या है? ज़ेब्रा।
फिर ये जो आपको एनिमल की पिक्चर दिखाई दे रही है वो कौन से एनिमल की है? टाइगर। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कौन से एनिमल की स्किन कैसे होती है, तो वो ही आपको देख के आपकी बुक में भी आपको ऐसे ही एनिमल्स की स्किन कौन सी होती है वो आपको जुड़ना है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो हमें एनिमल्स के नाम दिखाई दे रहा है और नीचे यहाँ पे लिखा है पुट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो, और यहाँ पे जो हमें टेबल में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट टेबल पे है ईयर कैन बी सीन, यानी कि कौन से एनिमल की ईयर्स हम देख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल और काउ। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं उनके ईयर्स हम देख सकते हैं। फिर लिखा है हैज हेयर ऑन स्किन, यानी कि कौन से एनिमल्स के स्किन ऊपर हेयर होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काउ। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं उनके स्किन पर हेयर होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स के ईयर हम देख सकते हैं उन एनिमल्स के स्किन पर हेयर होते हैं। तो फिर नेक्स्ट बॉक्स में लिखा है ईयर्स कैन नॉट बी सीन, यानी कि कौन से एनिमल्स के ईयर हम नहीं देख सकते। तो क्या आएगा? स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्राउ, पीकॉक, डक, हैन और लिजार्ड। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं उनके ईयर्स हम नहीं देख सकते। फिर नेक्स्ट बॉक्स में लिखा है हैज फीदर्स ऑन स्किन, यानी कि कौन से एनिमल्स के स्किन पर पिंछे होते हैं। तो क्या आएगा? स्पैरो, पिजन, क्राउ, पीकॉक, डक और हैन। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं उनके स्किन पर पिंछे होते हैं। फिर लिखा है इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो, यानी कि काउ और जो बफेलो एनिमल है उनके ईयर्स हम देख सकते हैं और उनके स्किन पर हेयर होते हैं। तो ये एनिमल्स के सारे नाम आपको आपकी बुक में लिखना होगा।